पेहोवा के चुरासी कला में घरेलू कलह के चलते युवक ने अपनी मानसिक रूप से परेशान पिता की दरांती से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात से पहले पिता पुत्र के बीच झगड़ा हुआ था। इसी दौरान युवक ने गन्ना छीनने वाली दरांती से पिता के सिर, गर्दन व बाजू पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जगमाल वासी चुरासी कला के रूप में हुई है। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने घटना का जायजा लिया तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए LNJP अस्पताल में भेज दिया है। थाना सदर पेहोवा में दर्ज शिकायत में प्रवीण रानी ने कहा कि शनिवार दोपहर को वो गांव से सामान लेने के लिए पेहोवा आई थी। शाम को उसे फोन पर सूचना मिली कि उसके बेटे रिंकू और जगमाल के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें रिंकू ने गन्ना काटने वाली दरांती से जगमाल पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। रिंकू ने उसकी गर्दन व सिर में कई वार किए, जिससे गंभीर अवस्था में पेहोवा के निजी अस्पताल भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान जगमाल की मौत हो गई है। मामले को लेकर थाना सदर प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस को निजी अस्पताल से सूचना मिली थी कि गांव जुरासी कला में एक युवक रिंकू ने घरेलू कलह के चलते अपने पिता जगमाल पर तेज धार हथियार से हमला करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है, जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने जगमाल की पत्नी प्रवीण रानी की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए LNJP अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि करीब 6 महीने पहले जगमाल के बेटे कुलवंत की मौत हो गई थी। बेटे की मौत से जगमाल मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था और छोटी छोटी बात पर आपा खो देता था। इससे जगमाल का बेटा रिंकू व अन्य परिवार के सदस्य परेशान रहते थे। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि आज जगमाल का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कल दिनांक 5 जून 2021 को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मृतक जगमाल सिंह है, वो सरस्वती मिशन हॉस्पिटल में उसकी मारपिटाई करके डेथ हो गया है और जिसकी चोट के कारण मौत हो गई है। तो इस इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा और हमने जाकर उसके मृतक जगमाल सिंह की डेड बॉडी का इंस्पेक्शन किया तो फौरन उसकी पत्नी प्रवीण कौर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके केस रजिस्टर करके और आरोपी उसके पुत्र रिंकू को कल ही राउंड अप करके अरेस्ट कर लिया गया है और उसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।